तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाक और नमस्ते। आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, और नाश्ता पानी हो गया है, नाना धोना अभी हमारा नहीं हुआ है। और आज है बैसाखी, और हमारे कुमाऊनी भाषा में गुनान बिस्पति। आज आ दिन सबने नाड़ हूँ, तो सब पर लोग ना लिया, क्योंकि आज नावे जो दुख शरीरा रोग नान उ सब बैग जनान बेल, तो सब ना लिया फिलहाल। मिलते आज तक ना ना रहा, तो तुम सब लोग ना सच्चा जल्दी जल्दी। और तो माना जाता है कि जो आज नहाता है, जो मतलब आज नहीं नहाता है, उसको रोग लग जाते हैं, और जो नहा लेता है उसके सारे रोग कट जाते हैं। और जो जौ की बाली होती है तो उससे नहाना पड़ता है, जौ की बाली पानी में डाल करके उससे नहा लेते हैं। तो हो सके तो जिसके जिसके घर में जौ है, वो जौ की जौ से नहीं है, जौ की बाली से नहाना है, तो जौ से नहा लेना। और हम भी अभी नहा लेंगे, पेट पूजा तो हो गई है, पर नहाना धोना नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बेटी की हरकतें। ये लड़की रोज रोज बर्तन धोती है। उठ उठो जल्दी, करने वाले होगे तो ना कभी नहीं करोगे, छोड़ो बदतमीज लड़की। चलो फिर नहलाऊंगी। और ये देखो इसकी हरकत है, ये इसको बिच्छू घास लगा, इसकी अम्मा ने इसको वो लगा दिया कॉलगेट। और हमारे गाय भैंसों ने नहा लिया है, इनकी बिस्पति हो गई है, और इंसानों ने नहीं नहाया अभी तक। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गाइस मैंने अपनी गुड़िया कर ली है रेडी, और लगा दिए हैं बहुत सारे इस पे क्लिप। दिखाओ, उठो उठो। कैसी लग रही बोलो? वो खुद ब खुद कहने लग गई कि मैं अच्छी लग रही हूँ। हाय कर दो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो गाइज इसको तो नहला लिया है, अब बारी है मेरी, तो मैं नहा लेती हूँ फटाफट, फिर मिलते हैं उसके बाद। हाय भीग करके। मम्मी मम्मी करती है। दिखा सारे कपड़े गीले कर दिए ना। लो नहीं मम्मा नहीं खाती, आप खा। तो गाइस नहाना धोना हो गया है, टीका भी मैंने लगा लिया, और अब बना सा, क्योंकि सासू माँ ने भी नहा लिया, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि बूढ़े लोग हैं तो उनको लग जाएगी ठंड। और दीदी खाना बनाने लग गई है, मैं बना रही हूँ चाय। मेरे को लग गई है भूख। तो बना लेते हैं पहले चाय, और मिलते हैं उसके बाद। और अभी मेरी छुटकू भी सोई है, तो मुझे बनाने हैं वो शॉर्ट वीडियो एक दो, तो मैं शॉर्ट वीडियो बना लूँगी। और ना मुझे हल्की हल्की खराश छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुझे दिखाना है एक बार हॉस्पिटल, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस आ गए हैं घोड़े, और हमारी छार रही है, क्या हार है हमारी, रेता बजरी हारना नहीं हमारी। चाह पी जाओगे यहाँ स्ट्रॉबेरी। जा बच चुके हैं दिन के डेढ़, और मैं आई हूँ अभी थोड़ी और बच्ची को देखने, क्योंकि वो हमने यहाँ बांध रखी है ना, तो यहाँ वो रस्सी फंसा लेती है। हम्म,
तो यहाँ चल रही है हमारी बच्ची, इसका नाम है रूपा। मैं आगे बता चुकी हूँ। रूपा रुक 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 रुक, ये देखो ऐसे रस्सी फंसा दी है इसने। और मिलती हूँ मैं आपको दो मिनट बाद। इसको तो मैंने निकाल लिया है, अब बहुत थोड़ी सी बारी, ये भी पता नहीं कहाँ कहाँ अलझी रखी है। क्या किया तूने ऐसा जो ये गले में क्यों डाला बंदा? ये हमारी ठोली ठोली। और देखो ऐसे उलझ गई, तो इनको देखने बार बार आना पड़ता है, हम ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं अपने जानवरों को। तो मिलती हूँ अभी। गाइज कपड़े भी धो लिए हैं और बन चुका है खाना इनका। आज बना है छोली भात, तो छोली भात खाते हैं। सानू आ जाओ, तो आज है छोली और भात खाना। ये वीडियो जो है हमारे मायके साइड के, मेरी नाक साइड के, और हम मतलब डेली उनके वीडियो देखते हैं, तो मेरा खाना लग गया है और आज बना है मेरा फेवरेट। चुका है मेरा खाना छोली और भात, और उसके साथ टपकी। जिसको जिसको खाना है आ जाइए, तो कर लेते हैं खाना स्टार्ट। बहुत टेस्टी हो रहा है, तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। थोड़ा लून कम रहा पर बहुत अच्छा है। ये अम्मा नहीं बोलो बता, ये क्या किया बेटा आपने? इसकी अम्मा नहीं, इधर को आओ। ये इसका हाथ देखो तो कितना गंदा किया है। सब दफ होगी मेरी, ये देखो तो आप कहाँ आ गए जा। ये मुझे फरवा थलिया है जानिया। क्यों कर दियो बेटा इतना उपात? छिछी सानू दिख रहा है किरो कह रहा तबीयत के ना दी ये साल ले हो ने तो यो साल तो रोलाई के पतो ना आज सही ना पर ना अब कह रहा बुखार बुखार ठीक है तो ताकत के ना दे अब आप जी की ऊपर बुढ़िया काल ताकत बुखार ले गया तो ठीक है सही आमने उन बाजी बुढ़िया काल ताकत। तो गाइज ये है हमारी दूर की जेठानी लगती है मतलब, और हम इसको इनको बोलते हैं भाभी जी। तो इनके साथ मतलब इतनी मजा के चलती है ना हमारी, मतलब हम कुछ भी बोलते थे इनको बुरा नहीं लगता है, और ये हमसे भी कुछ भी बोल दे हमें बुरा नहीं लगता है। और बज चुके हैं 4:30, तो मुझे लगाना है मतलब गाय भैंस का दूध निकालती हूँ जल्दी से। दीदी बनाएगी चाय और मैं बनाऊँगी नहीं निकालूँगी दूध भैंस का। कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी, प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं ऐसी हूँ, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, और मुझे लोगों को हंसाना ही अच्छा लगता है। एक ये लड़की है, क्या चाहिए? गलम नहीं किया मम्मा ने, पागल है ये लड़की। चलो फिर अभी गरम करके देती हूँ। तो गाइस थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बज चुके हैं 5:00 और हम लोग जा रहे हैं अभी घास काटने। हाँ हाँ, और दीदी जा रही है खीर खाने, क्योंकि गांव में ही किसी के भैंस का नामकरण है, तो वहीं जा रही है वो। और मैं काट के लाऊंगी घास डुक्के में, और आगे आगे है मेरी छुटकू बाबू, पीछे पीछे हूँ मैं। तो मिलते हैं इसमें। हाँ हाँ चलो बिच्छू घास है वो। तो गाइज मेरे हाथ में चुभा है काटा, और सानू कोशिश कर रही है निकालने की। निकाल दो निकाल दो, पूड़ हो रही है, जल्दी निकालो। छोटी पुआ है चुभा है। किससे निकालोगे? पिटी कर दिया कुमारी के। निकाल दो
पूर। वो काटा नहीं है, वैसे ही है। यहाँ पर का काटा निकालो, ये जो चुभा है ना वो निकाल दो। तो गाइस बच चुके हैं शाम के साथ, और हमारा आज ना चाय बनी है, ना खाना बना है, ना सब्जी बनी, क्योंकि आज हम इतना लेट हो गए थे ना, हम मतलब खेतों में ही रह गए थे। तो हम अभी घर में पहुँचे और मैं दे रही हूँ अभी गाय भैंसों को उनका रात का खाना, मतलब घास डाल रही हूँ उनको, और फिर मुझे चाय बनानी है। तो बहुत सारा काम है आज का, वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ। समाप्त, एंड, सबसे बढ़िया, यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।